कक्षा 3 का आपकी हिंदी व्याकरण और भाषा पल्लव के दोनों पुस्तकों के पाठ 1 का अभ्यास करवाऊंगी। इसमें हमने आपको हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो मेरा पहला प्रश्न है, धूप छिप जाती है, पहला विकल्प है दोपहर में, दूसरा विकल्प है सुबह में, तीसरा विकल्प है शाम में और चौथा विकल्प है रात में। तो इसका सही उत्तर है, कब छुप जाती है धूप? शाम में। दूसरा प्रश्न है, जाड़े के मौसम में धूप किससे लिपटी होती है? पहला विकल्प है कोहरे की चादर में, दूसरा विकल्प है माँ से, तीसरा विकल्प है बादलों में और चौथा विकल्प है हवा में। तो इसका सही उत्तर है कोहरे की चादर में। तीसरा प्रश्न है, सर्दीली शब्द का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है फटाफट, दूसरा विकल्प है सुबह, तीसरा विकल्प है सर्दी वाली और चौथा विकल्प है शर्माने वाली। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न 4, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? पहला विकल्प है अरबी, दूसरा विकल्प है रूसी, तीसरा विकल्प है देवनागरी और चौथा विकल्प है रोमन। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। प्रश्न 5, हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सी है? पहला विकल्प है अंग्रेजी, दूसरा विकल्प है अरबी, तीसरा विकल्प है हिंदी और चौथा विकल्प है संस्कृत। तो बताइए हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा कौन सी है? जी हाँ, हमारी राजभाषा हिंदी है। उसके बाद प्रश्न 6 है, व्याकरण के अंग हैं। पहला विकल्प है कविता, शब्द और भाषा, दूसरा विकल्प है वर्ण, शब्द और वाक्य, तीसरा विकल्प है किताब, चित्र, फिल्म और चौथा विकल्प है चित्र, वाक्य और वर्ण। तो इसका सही उत्तर है वर्ण, शब्द और वाक्य। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।